तो नमस्कार, जय हिंद, सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ बातें क्या हूँ जो आप लोगों को डेफिनेटली सुनना चाहिए, और जो बीकॉम प्लेबॉय के अंदर आना चाहते हैं इसकी बहुत सारे ऐसे बातें मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब चीज़ सही नहीं है और ये सब चीज़ जो है कितना फेक होता है। और देखो, मैं एक बंदे के साथ बात किया हूँ, कितना कॉन्फिडेंसली बात कर रहा है मेरे को, कितना मैं भी उसकी बातों में फिसलने लगा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहेगा, और जो कुछ भी कॉल रिकॉर्डिंग है मैंने सारी चीज़ करके रखा हूँ, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, तब जाके आप पूरा जान पाएंगे कि असली सच क्या है। की मीटिंग के बाद सर ऐसा होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन पहले होता है ना, जो आपको होटल एक्चुअली रेंट चार्ज होता है। मैं आपको कैसे ट्रस्ट करूँ कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हो और मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे पैसा खा के बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तो इसमें कोई गारंटी सर है क्या? नहीं नहीं सर देखो, हमारे ऐड अब पता कितने के लगे हैं। एक तो जेनुअन ऐड होता है, आपने देखा ही होगा हमारा ऐड कहाँ पे लगा हुआ था। जेनुइन हो भैया वो, इसे आजकल वेबसाइट किसी को भी बनाना आता है ऐसा नॉर्मल वेबसाइट। सर नॉर्मल वेबसाइट में थोड़ी है, हम 80,000 देते हैं उसके पर मंथ। 80,000 एक तो में, हाँ वो तो अस्सी आपकी हज़ार में माननी, हाँ वेबसाइट, किसी हाँ ब्रांड अकाउंट में वेबसाइट भी तो शायद आपके नहीं टाइम में, आता। हाँ सर वेबसाइट तो आज के टाइम पे नॉर्मल वेबसाइट अपनी खुद की कोई भी बना सकता है, पर किसी और की बढ़िया वेबसाइट में चीजें डालना ना उसका पे लगता है। ठीक है, वहीं से पता चल जाता है बंदा जेनुअन है या नहीं है। और आपका बाकी नाम, इसमें जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप मिश्रा है सर। आप वही हो क्या जो YouTube में वीडियो बनाते हैं, वही हो क्या? तो प्रैंक्स वाली नहीं, जो मोटिवेशनल नहीं नहीं स्पीकर है वही हो क्या आप? नहीं नहीं वो नहीं सर, वो ये काम क्यों करेगा वही तो मैं बोल रहा हूँ कि संदीप सर महेश्वरी इतना अच्छा इंसान होने के नहीं बाद नहीं ऐसा काम क्यों कर रही है? नहीं तो सर एक का नाम थोड़ी हो सकता है संदीप मिश्रा। हाँ वो हो सकता है, कोई हाँ दूसरे आदमी का हो सकता है, लेकिन वही आपका आपका जो भी नाम होगा वैसे उस नाम के काफी हजारों करोड़ों बंदे होंगे। हाँ वही सही है। लेकिन मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ भाई? ट्रस्ट नहीं हो पा रही देखो है, सर मैं क्योंकि देखो मैं आपको एक एक्चुअली ना सुनो एक्चुअली मैं सुनो आपको बताऊँ देखो कि मैंने ये सब चक्कर में ना मैं काफ़ी पैसे गवा चुकी हूँ, इसीलिए किसी भी ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रही है मेरे लिए। सर कहाँ गवा दिया अपने ऐसे पैसे। इससे पहले भी मैंने यही कही मेरे को यहाँ पे मेरे स्टेट के अंदर यही कही, त्रिवेंद्रम में दो लड़की मेरे को मिली थी, बोला कि हाँ सर मैं आपको जॉब प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिंपल ज्वाइन होना है कि यहाँ पे कुछ, बोला कि सिल्वर सिल्वर ये प्लान है या गोल्ड प्लान है बोला, और बोला कि 999 रुपये दे दो ऐसा बोलो ऐसा। मैंने दो तीन जगह पर ट्राई किया, लेकिन इतना जेन्युइनली बात किया मेरे को लगा कि ये रियल है। बाद में उसको पैसा देने के बाद आधा घंटा के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया, बस काम ख़त्म। नहीं नहीं सर ऐसा कोई काम नहीं होता सर, बाकी वो तो एक्चुअली आपको फेस टू फेस मिले थे हम, हैं तो आपको डिटेल्स क्या भेजी है उन्होंने अपनी, डिटेल भी तो तो होती है कंपनी की। अच्छा, आप बेसिकली आप बात कहाँ से कर रहे हो? I'm from Delhi, sir. दिल्ली से? अच्छा, एक्चुअली मैं दिल्ली में कुछ दिनों के अंदर आ रहा हूँ, क्या आप मेरे को मिल सकते हो? बिल्कुल सर, कितने दिन बाद आओगे आप, बिल्कुल मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही 15 दिन। और एक्चुअली ना मेरे को एक बात बताओ, हाँ मेरे को एक पैसा भी नहीं चाहिए। तुम लोग मैडम को मीट करने के बाद, मीटिंग होने के बाद जितना पैसा चाहिए तुम लोग रख लो, जी 15 से 20 हज़ार मिलता है सर, वो है? परफॉर्मेंस पे डिपेंड, 15 तो आपको मिलते ही मिलते हैं, बाकी आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहता है। 1500 मतलब वन मीटिंग पे? 1500 नहीं 15,000 सर। अच्छा, 15,000। सर देखो एक तो सल्ट होती है जो रिंडी टाइप होती है और कॉलगल टाइप होती है, हाँ वो पैसे लेती है, अच्छा पर यहाँ क्लाइंट हमारे जेनुअन होते हैं, हाई अच्छा प्रोफाइल अच्छा रिच फैमिली के। तो अच्छा जैसे जिनकी मान लो कोई विधवा हो गई या किसी के हस्बैंड फॉरेन कंट्री चले गए ना, हाँ तो उसकी रिक्वायरमेंट के उससे तब वो हमसे कांटेक्ट करती है, क्योंकि सर इसमें हमारा कमीशन भी बनता है, आपकी आफ्टर मीटिंग हमारा 20% तो रहता ही है उसमें, अच्छा बाकी मैडम भी हमें पे करती है, तो हमारा बहुत बन जाता है इसमें। अच्छा क्योंकि मैडम को भी पे करने पड़ते हैं पहले रजिस्ट्रेशन के, ऐसी बात नहीं है सर, मैडम का भी प्रॉपर कार्ड बनता है कल को, ताकि ये कस्टमर पर एक केस नहीं लगा दे सर, क्योंकि देखो इसमें आपके साथ बहुत सीन हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे आप होटल में चले गए, मान लो आपको मीटिंग मिल गई, ठीक है अच्छा आप होटल में भी चले गए, आपने मीटिंग भी कर ली, उसके बाद अगर मैडम आप पे रेप केस मार देते आप क्या करोगे बताओ, आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना, ये है सर रियलिटी है सर, मेरे पास भी बहुत कस्टमर आए हैं जिनके पास ऐसे सीन हो चुके हैं सर, अच्छा ऐसे ऐसे फंसा दिया था सर, 2-3 लाख लग गए उनके तो निकलने में।
अच्छा, ये भी तो सही है, हाँ तो लेकिन वही है। अब देखो हमें ना बंदा भी जेनुअन चाहिए, और जिससे हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करवा रहे हैं वो भी जेनुअन होती है। नहीं, मैं यार, अब ये नहीं देखो, उनकी भी पूरी डिटेल ली मैं जाती तो है। उन इंसान हूँ, अभी तो एलियन सुनो, थोड़ी हूँ। हाँ जी हाँ जी इसीलिए तो कह रहा हूँ एक्चुअली। देखो जैसे अच्छा, देखो देखो सुनो, जैसे आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, अभी अभी आप नहीं कर रहे, वैसे हम भी नहीं कर रहे ना आप पे। हाँ, आपकी ये सही प्रॉपर है। डिटेल लेंगे, तभी तो रजिस्ट्रेशन होता है। वो पूरा प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है, ताकि कल को आप मान लो अगर मैडम कह भी दे, तो आप पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो पीडीएफ की फॉर्म में कि सर मैंने तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऐसा कोई सीन नहीं, और मैडम के भी है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। ये तो होती है ना प्रॉपर बात, कि मैडम ने भी डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करा रखे हैं। अब एक साइड से रजिस्ट्रेशन हो कि आप आपका, तो मैडम तो कह सकती है इसमें तो मेरे को बुलाया था, ये जो भी कह सकती है ना उस चीज में। बट अच्छा, अब मैडम इसमें क्या कहेगी, जब मैडम का खुद का रजिस्ट्रेशन वहां पे हो रखा है। तो सर ये बात होती है मेन, और बेसिकली कि ये दोनों जो, साइड। हाँ जी अच्छा, हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन प्राइस कितना होता है? सर, रजिस्ट्रेशन प्राइस सर मीटिंग पे डिपेंड होता है। अगर आपको रेगुलर बेस पे ये करना है ना, तो आपको 5,000 में मंथ के अंदर आपको 8 मीटिंग मिल जाती है, और सिंगल मीटिंग तो वही 2,000 का। बाकी मैं आपको अगर कोई वो डाउट लग रहा है, मैं आपको एक डेमो रजिस्ट्रेशन कार्ड दे देता हूँ अच्छा, डेमो रजिस्ट्रेशन कार्ड दे अभी। देना। और एक बात है, मतलब हाँ आपसे, आप जी हाँ डेली जी कहाँ पे रहते हो? सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ मतलब डेली तो कुछ कुछ मोहल्ला, कुछ गली का तो नाम होगा ना? सर, दिल्ली में टैगोर गार्डन। अच्छा ठीक है, हाँ जी कुछ दिनों के अंदर मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आपसे ज़रूर हाँ जी मुलाकात करूँगी, ठीक है? ओके सर। और और अभी आप आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे? अभी, मैं आपसे मिलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। चलो ठीक है सर, ओके। जैसा आपको ठीक लगे सर। आपको ऑफिस ही आना पड़ेगा वैसे। हाँ कोई बात अब नहीं, मैं मैं स्पेश आपसे अब हाँ बेसिकली देखने के लिए आ रहा हूँ कि जेन्युइन है ठीक या नहीं। ठीक अगर जेन्युइन है तो मैं इंस्टेंटली कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं है थैंक उसमें। यू। ओके।